वैसे अकाउंटेबिलिटी उधर ज्यादा सामने से ज्यादा क्लियर दिखता है, इधर वाले पे कुछ छुप जाती है। देखिए ये जो अभी हमारी समीक्षा हुई है काफी लंबा, इसमें 1.5 घंटे के करीब सब जो विभागीय सचिव हैं उनके साथ में बातचीत हुई। ये ड्राफ्ट सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल है, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहला है गुड गवर्नेंस वाली बात, दूसरा नीचे के लेवल तक और ऊपर तक दोनों साइड पे अकाउंटेबिलिटी का, कि जो भी व्यक्ति गलत काम करे या समय पर डिलीवरी ना करे तो वो अकाउंटेबल हो, उसके लिए जिम्मेदार हो। और तीसरा है कि पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का प्रॉपर मैकेनिज्म हो, तो पब्लिक की परेशानियां हैं उसको सुनने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो किस तरह से हो और कैसे वो टाइमली डिलीवरी दे, और जो नहीं करता उसके खिलाफ में एक्शन भी हो। ये सारा इसका पूरा मुद्दा बनता है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ राजस्थान में दो तीन चीजें हैं जो कि अलग अलग स्तर पे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, कमिटी भी बनाई है, मिस्टर निखिल डे भी इसमें जुड़े रहे हैं, उनको लिया है, प्लस हमने 5 सेक्रेटरीज को अलग अलग रैंक के जो इसके साथ हैं उनको भी लिया है, और वो सब मिलकर के इसको ड्राफ्ट कर लेंगे। एक हमने ये भी डिसाइड किया कि इसको हम एक बार वेब पेज पे डाल करके कुछ समय जो 15 दिन से 30 दिन का होगा पब्लिक से भी रिएक्शन मांग लेंगे, उन सब के रिएक्शन जो भी वर्थवाइल होंगे उनको इसमें शामिल करते हुए फिर ड्राफ्ट रेडी करेंगे। तब तक शायद इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम इसको निश्चित रूप से एक इफेक्टिव तरीके से लागू करने की मंशा रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।